कक्षा 12वीं की अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत स्वागत है। आज पढ़ेंगे कीमत विश्लेषण में आगम अवधारणाओं का महत्व। तो कीमत विश्लेषण में आगम अवधारणाओं का महत्व निम्न प्रकार से है। तो वो होता है मूल्य का निर्धारण। सबसे पहले मूल्य, कोई वस्तु मूल्य निर्धारण अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार की दशा में फर्म स्वयं वस्तु का क्या करती है, मूल्य को निर्धारित करती है और उत्पादन की वह मात्रा जिसमें कीमत पर बेची जा सकती है उसे औसत आगम होगा। तो जो वस्तु की कीमत है वो कौन निर्धारित करता है, स्वयं, मतलब जो फर्म है वह स्वयं वस्तु का मूल्य लागत के अनुसार क्या करती है, निर्धारित करती। दूसरा है साम्य की मात्रा का निर्धारण। तो पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में साम्य मात्रा का निर्धारण उसी बिंदु पर होता है जो अतिरिक्त इकाई के, मतलब जो एकाधिक अपूर्ण प्रतियोगिता और पूर्ण प्रतियोगिता और उसके साथ एकाधिकार के भी साम्य में निर्धारण उसी बिंदु पर होता है जो अतिरिक्त इकाइयों का, मतलब जो ज्यादा इकाइयों के विक्रय सीमांत आय और अतिरिक्त इकाई की सीमांत लागत क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर कीमत में परिवर्तन का प्रभाव, उत्पादन की मात्रा में, उत्पादन की जो मात्रा होती है उसमें कुल विक्रय से, मतलब जो वस्तु का विक्रय हुआ उससे कुल प्राप्त आगम में वृद्धि या कमी का प्रभाव जो होता है फर्म के लाभ पर पड़ता है। मतलब जो कीमत की परिवर्तन का, जो उत्पादन की जो मात्रा होती है उसमें जो अपन ने कुल विक्रय किया उसमें जो आगम में वृद्धि या कमी का प्रभाव होता है उसे लाभ प्राप्त होता है वह यह नहीं देखा जा सकता कि कीमत में परिवर्तन के प्रभाव से लाभदायकता, मतलब जो लाभदायकता पर जो प्रभाव पड़ा, लाभदायकता पर जो प्रभाव पड़ा विश्लेषण में कीमत में परिवर्तन का प्रभाव जो उत्पादन की मात्रा है एवं उसमें कुल विक्रय से प्राप्त, मतलब जो कुल विक्रय किया उससे कुल आगम में जो वृद्धि हुई, मतलब जो वृद्धि आई, कमी का प्रभाव फर्म के लाभ पर क्या होता है, पड़ता है और यह नहीं देखा जा सकता कि कीमत में परिवर्तन के प्रभाव से लाभदायकता पर, मतलब जो लाभदायकता है लाभ प्राप्त होता है प्रभाव जाना जा सकता। फिर कीमत विश्लेषण में लाभ हानि का अनुमान। तो लाभ हानि का अनुमान का जो अनुमान है वह औसत आगम और औसत लागत, मतलब जो औसत आगम है और लागत है उससे अधिक होती है और ये ऐसी होती है असामान्य लाभ से क्या होता है इनके, मतलब औसत लागत, लागत और आगम से क्या होती है ये लाभ हानि का अनुमान कैसा होता है, जो असामान्य होता है। तो इन दोनों से क्या होता है ये लाभ अधिक होता है। उसमें आपको बता दूं औसत लागत और औसत लागत, औसत आगम और औसत लागत होती है। तो सामान्य लाभ में औसत लागत बड़ा अधिक या औसत लागत होने पर क्या होती है हानि, मतलब अगर आप लागत ज्यादा लगा रहे हो और आगम कम तो क्या होगा आपका आगम और मतलब औसत आगम और औसत लागत होने पर क्या होगा, अधिक होने पर क्या होगी हानि होती है। तो ये कीमत विश्लेषण के आगम की अवधारणा का क्या है ये महत्व है। तो इनको चार बिंदुओं पर है। पहला है मूल्य का निर्धारण, तो किसी वस्तु के मूल्य के निर्भर, और उसके बाद साम्य मात्रा का निर्धारण, फिर कीमत में परिवर्तन का प्रभाव, जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा एवं कुल विक्रय, तो
लाभ हानि का विश्लेषण में फिर लाभ हानि का अनुमान। तो ये चार भाग हो गए। इसके बाद होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता का फर्म साम, तब जो पूर्ण प्रतियोगिता का जो फर्म साम है, एक पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में प्रत्येक फर्म का व्यवहार पूरी तरह कैसा होता है, विवेकपूर्ण होता है। अगर आप कोई भी व्यवसाय शुरू करते हो या कोई भी फर्म खोलते हो तो उसकी स्थिति में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में प्रत्येक फर्म का व्यवहार पूरी तरह कैसा होता है, विवेकपूर्ण। मतलब आप कोई भी निर्णय, मतलब कोई भी कंपनी या कोई भी मतलब उसको शुरू करते हो तो उसके लिए काय के लिए करते हो, लाभ अर्जित करने के लिए। कोई भी व्यवसाय शुरू करेंगे तो अपन काय के लिए करेंगे, लाभ अर्जित करने के लिए करेंगे। तो यह पूर्णता विवेकपूर्ण होता है ऐसा हम मान सकते हैं। अपने हितों को अधिका अधिक लाभ अर्जित करना करने का क्या करते हैं, हम अपने हित के लिए अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। फिर आधुनिक अर्थशास्त्री ने किसी वस्तु के मूल, मतलब कोई वस्तु है उसके मूल्य तथा उत्पादन निर्धारण को फर्म के शाम के शब्दों में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। एक फर्म है शाम की स्थिति तब तक जब तक उसमें कुल उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो एक फर्म अपने उत्पादन में परिवर्तन तब तक नहीं करेगी जब तक उसे अधिक लाभ प्राप्त ना हो। तब आप एक व्यवसाय कोई भी फर्म है, एक फर्म साम्य की स्थिति में तब तक होगी जबकि उसमें कुल उत्पादन में कोई परिवर्तन ना होता हो। मतलब जब तक आप उत्पादन में परिवर्तन तब तक नहीं करेगा जब तक उसे अधिकतम लाभ प्राप्त ना हो। तो एक फर्म का साम्य एक फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मात्रा को कीमत निर्धारण के जो दोनों एक ही बात है, मतलब जो एक फर्म का उत्पाद साम्य है और एक फर्म का उत्पादन, जिससे वस्तु की मात्रा, जो वस्तु की मात्रा होती है उसमें क्या होता है, कीमत का निर्धारण, दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। तो आपको बता दूं जे एक अक्ष है ओ वाई और ओ एक्स में, तो जो ओ वाई है वो क्या है, ओ वाई है आगम लागत और ये वस्तु की क्या हो गई, मात्रा हो गई। तो और जो पी बिंदु है वह पूर्ति के लिए है, तो ये क्या हो गया, अल्पकाल में फर्म का साम, अल्पकाल में समय में जो कमी आती है, कमी होती है जिससे पूर्ति की मात्रा को क्या कहता है, घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता, परंतु मांग में होने वाले परिवर्तन को रोका भी नहीं जा सकता। अंत में अल्पकाल में एक फर्म को लाभ, सामान्य लाभ और हानि भी हो सकती है। तो ये हो गया आपका पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का साम, फिर अल्पकाल में मतलब कम समय में फर्म का साम। तो ये आपको एक छोटा सा प्रश्न है ये कि पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में अल्पकाल में किसी वस्तु का मूल्य, मतलब किसी वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित किया जा सकता है। तो ये रेखा चित्र के हिसाब से आपको फिर है लाभ हानि की स्थिति, मतलब एक फर्म की जो स्थिति है पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में, तो ये एक हो गया लाभ की स्थिति। जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तो उसकी पूर्ति को अल्पकाल में उसके अनुसार बढ़ाया जा सकता है। मतलब आप कोई फर्म खोलोगे तो लाभ की स्थिति अगर ज्यादा होगी तो वस्तु की मांग कैसी हो जाएगी, अधिक, और उसकी पूर्ति को अल्पकाल के अनुसार क्या किया जा सकता है, नहीं बढ़ाया जा सकता, और उसे विशेष तौर पर क्या प्राप्त होगा, लाभ मिलता है। आप चित्र मतलब जो था उससे स्पष्ट है कि चित्र में ई बिंदु, मतलब आपको पहले वाला जो चित्र है ई बिंदु, और ई बिंदु पर जो एम आर और एम सी जो है वह क्या है, एम आर क्या है आपका उत्पाद, एम आर जो है आगम है, औसत आगम, और इसलिए बिंदु की अधिकतम लाभ में फर्म की स्थिति को क्या करता है, बताता है। तो आपको जो पहले मैंने बताया ये एक चित्र है, इसमें एम आर और एम सी
साधु के समान लाभ उस स्थिति से होता है जब वस्तु की मात्रा का पूर्ति आपस में क्या होती है, बराबर होती है। मतलब समान लाभ मतलब जब वस्तु की मांग और पूर्ति आपस में क्या होती है, बराबर होती है, तो फर्म द्वारा प्राप्त कीमत AR से वस्तु की औसत लागत, औसत लागत हो गई और ये वस्तु की कीमत, तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, AR बराबर AC। तो ये AR और AC क्या है, बराबर है। मतलब ये वाली से और ये वाली वस्तु की कीमत, तो ये क्या हो गया आपके बराबर, AR बराबर AC। उसके बाद हो गया लगभग समान स्थिति होगी, चित्र में आप स्पष्ट रूप से देखोगे कि जो ई बिंदु है, ई बिंदु है जो अधिकतम लाभ का बिंदु है, इस प्रकार ओ और क्यू, आपका ओ और क्यू क्या है, ये मात्रा कुल उत्पादन बताता है और वस्तु की इकाई में ई और क्यू, जो ई और क्यू है, ई और क्यू क्या है ये, और या ओ और पी, ये क्या हो गए आपके बराबर, ये दोनों चीज क्या हो गई आपकी बराबर। तो आपको बता दूं कि मांग और पूर्ति आपस में जब बराबर होते हैं तो प्रति इकाई लागत EQ मतलब बराबर हो जाती है। स्पष्ट है कि फर्म में केवल सामान लाभ ही प्राप्त हो रहा है, मतलब O और क्या हो गया, P और E और Q, ये क्या हो गए बराबर है। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि जब वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में क्या हो गई है, बराबर है, तो इसमें क्या प्राप्त होगा आपको, समान लाभ प्राप्त होगा। तो ये क्या हो गई, ये जो स्थिति हो गई वो समान लाभ की स्थिति हो गई। उसके बाद है हानि की स्थिति। तो उत्पादन में कभी कभी आप कोई भी व्यवसाय शुरू करोगे तो उसमें आपको हानि भी होगी। तो उत्पादन में कभी कभी अल्पकाल में ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है जिससे फर्म में क्या होती है, हानि का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो औसत आय की तुलना में औसत लागत अधिक हो जाती है। तो औसत लागत मतलब AR और औसत लागत मतलब AC। आपको एक चित्र द्वारा OX और OY में आपको दिख रहा है, जो AR है आपको ये है और AR बराबर AC, ये AC। तो इस चित्र की स्थिति की सहायता से आप समझ सकते हो कि AC MR के नीचे को काटती है, मतलब जो ये बिंदु है आपको ये बिंदु को काटते हुए ऊपर जा रही है और AC इस बिंदु को क्या कर रहा है, ये वाले बिंदु को काटता हुआ जा रहा है। तो OQ का उत्पादन वस्तु की प्रति इकाई की प्रति इकाई लागत पर क्या कर रहा है, ये आपको हानि हो रही है। तो ये उत्पादन में जब कभी कभी अल्पकाल की स्थिति में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे फर्म को क्या करना पड़ता है, हानि का सामना करना पड़ता है। तो ये होगी आपकी हानि की स्थिति। फिर है फर्म के सामने संतुलन का क्या आशय है। तो फर्म के सामने से आशय होता है कि उस अवस्था से जिससे में परिवर्तन की अनुपस्थिति को दृष्टिकोण, मतलब जो अवस्था है फर्म के संतुलन की आशय से, उस अवस्था से जिसमें परिवर्तन की अनुपस्थित दृष्टिगोचर होती है। तो फर्म के आधार पर फर्म के द्वारा वस्तु के मूल्य निर्धारण एवं उत्पादन की मात्रा में निर्धारित किया जाता है। साम्य अवस्था में उत्पादन की मात्रा में क्या हो जाती है, कमी या वृद्धि, फर्म का कोई भी सरोकार नहीं होता। मतलब साम्य अवस्था में उत्पादन की मात्रा में कमी या वृद्धि, फर्म की कोई, मतलब जो फर्म होती है उसको कोई उसका मतलब नहीं होता। वह यही कारण है कि फर्म में इस अवस्था में अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। ऐसा मतलब वह बिंदु जिस पर फर्म को अधिकतम मौद्रिक लाभ प्राप्त हो फर्म का संतुलन कहते हैं। जहां के साम्य व संतुलन से आशय, तो फर्म के संतुलन से आशय उस अवस्था से है जिसमें परिवर्तन की अनुपस्थिति दृष्टिगोचर होती है।
और कर्म की संख्या के आधार पर किसी कर्म द्वारा वस्तु के मूल्य का निर्धारण उत्पादन की मात्रा पर क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। साम्य अवस्था में उत्पादन की मात्रा में कमी या वृद्धि, कर्म का कोई मतलब नहीं होता, उसे कोई भी मतलब नहीं होता, कर्म की अवस्था में अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। उसके बाद है फर्म के संतुलन की क्या विशेषताएं हैं? तो फर्म के संतुलन की तीन विशेषताएं होती हैं। पहला है वस्तुओं की कीमत और उत्पादन में क्या होती है, वस्तुओं की कीमत का उत्पादन में मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं। तो संतुलन की स्थिति, जो फर्म की संतुलन की स्थिति होती है, उसमें वस्तु की उत्पादन की मात्रा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। और परिवर्तन की कीमत कैसी हो जाए, परिवर्तन कैसा होता है, अनुपस्थित रहती है। फिर अधिकतम लाभ प्राप्त करना, तो एक फर्म अपने संतुलन की स्थिति में अधिकतम लाभ प्राप्त करती है, यह किसी प्रकार का जोखिम नहीं उठाता। तब जो अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए वह किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठाता और अधिकतम लाभ मतलब अपने संतुलन की स्थिति में वह अधिकतम लाभ प्राप्त करती है। फिर फर्म के उत्पादन लागत न्यूनतम होना, तो फर्म के संतुलन की स्थिति में एक फर्म न्यूनतम लागत पर उत्पादन की संभावना बनाती है। उत्पादन लागत हो जाने पर लाभ क्या हो जाता है, मतलब तो जो वस्तु का उत्पादन है न्यूनतम लागत पर हो जाने पर उसको क्या कर सकते हैं, लाभ को बढ़ाया जा सकता है। फिर कुल आगत और सीमांत विश्लेषण की रीति पर प्रयोग, फर्म की साम्य अवस्था में कुल लागत और कुल लागत आगम सीमांत विश्लेषण रीतियों को क्या करता है, रीतियों का प्रयोग किया मतलब करके प्राप्त की जा सकती है। एक फर्म के मतलब एक फर्म है उसके साम्य में उत्पादित वस्तु की मात्रा एवं कीमत निर्धारण में कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ये हो गया आपके फर्म का साम्य क्या होता है, फर्म की संतुलन की विशेषताएं। फिर आपने पढ़ा पूर्ण प्रतियोगिता के दशा में अल्पकाल में जो वस्तुओं की मूल्य कैसे निर्धारित होता है, आपने रेखा चित्र सहित पढ़ा। ये छोटे छोटे प्रश्नों के आंसर भी हैं, आपको परीक्षा में ऐसे भी पूछा जाता है पूर्ण प्रतियोगिता के दशा में अल्पकाल में वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित होता है, उदाहरण सहित सचित्र लिखिए, तो आपको ये एक आंसर हो गया। और दूसरा फर्म के संतुलन से क्या आशा है और इसकी विशेषता। धन्यवाद बच्चों।